मैं संगीत नहीं जानता, भैया ने
भाई तुम मंच पे थे, मैं भैया के पास कुर्सी पे बैठा था। भैया ने जब माल कोस दाग एक है पत्थर पानी हो जाता उससे, उस दाग के कुछ एक पर सूर लगाए मेरा सारा बहुत अच्छा लगा। आप सभी का राव परिवार का इस समय सदा सदा आभारी रहेगा। मैं योग करते ही मैं खाली कुछ नहीं कह रहा हूं, बाबा महाकाल के दरबार में झाड़ू लगाने वाला ये सदस्य, मुझे महाकाल बाबा का आदेश है कि बेटा जीवन में जितना छोटा बन के रहेगा आपका फिर वो सफलता मिलेगी। बाबा महाकाल जी आप लोगों तक मैं पहुंचाना हूँ। मुझे 7 दिन राम परिवार ने बुलाया, मेरी आत्मा गदगद हो गई। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, अभी तक जितनी मेरी बड़ाई हुई सब असत्य है। मेरा तो इस गांव के कूकर चूकर कुत्ता बिल्ली से भी आग्रह हो। आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, इसलिए मैं भागवत महापुराण राधा कृष्ण के मंदिर में सुनाया। अच्छे साल की आयु होने वाली कभी भी हो जाए कोई भरोसा नहीं। मेरे हाथ लोग आप सामने से एक प्रार्थना और है, मैं सब उपस्थित है। एक प्रार्थना जरूर ब्राह्मण की, मैं एक बार फिर इस गांव में आके श्री रामचरित मानस के सुंदर कांड पर कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस टोकले तुम्हारी ने बोलने वाले बालक को जैसे माता पिता अपने बच्चे को पूछते हैं तुम सुन आज क्या पढ़ के आया, तो बच्चा कैसे अपनी टोकने वाली ने अपनी माँ को बताता है पिता को, माँ कितनी खुश होती है। ऐसे ये बालक चाहता है कि मेरी टोकनी वाणी से मैं आप लोगों को सुंदर कांड के 10-10 दोहे बोलते हूँ, 5-5 कहूँ, 20-15 दिन की मेरी इच्छा है। अगर मेरे मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी हो गई तो अगला बढ़िया